गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लेनल के कंट्रोलर M2210 के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लेनल के कंट्रोलर M2210 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड CCTV सिस्टम की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड CCTV सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। जो लेनल का कंट्रोलर है, जिसे इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर, इसको शॉर्ट में ISC भी कहते हैं, आज हम लोगों ने जो मॉडल सेलेक्ट किया वो मॉडल है LNL-M2210। ये एक लेनल कंट्रोलर का लेटेस्ट सीरीज है। अगर हम पुराने वाले सीरीज की बात करें तो उसका सीरीज था LNL-M2210। ये जो M2210 है ये एक इंटेलिजेंट सिंगल डोर कंट्रोलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये कंट्रोलर है इसके ऊपर ऑनबोर्ड जो है एक रीडर का पोर्ट दिया होता है, जिस पोर्ट के थ्रू आप एक रीडर को डायरेक्टली इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोलर जो मैक्सिमम 8 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। अगर हम रीडर की बात करें तो इसके अंदर आप मैक्सिमम 16 रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस कंट्रोलर के ऊपर आपको एक ऑनबोर्ड ईथरनेट पोर्ट दिया होता है, यानी RJ45 पोर्ट, जिस पोर्ट के हेल्प से आप इस कंट्रोलर को अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रीडर टाइप की बात करें तो ये मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है। वीगेंड प्रोटोकॉल, OSTP प्रोटोकॉल भी इसके अंदर शामिल है। अगर हम कार्ड फॉर्मेट की बात करें तो ये 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये M2210 कंट्रोलर है। आपको ऊपर में ग्रीन कलर के बहुत सारे कनेक्टर्स दिख रहे होंगे। तो हम लोग वन बाय वन इस कंट्रोलर्स के कंप्लीट ओवरव्यू को समझेंगे कि कौन से पोर्ट के ऊपर कौन से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, कौन से पोर्ट्स के ऊपर कौन सा कनेक्शन होता है, उसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। ये पहला वाला जो आपको पोर्ट दिया हुआ है, ये जो कनेक्टर आपको है, इस कनेक्टर के ऊपर ये बेसिकली इनपुट पोर्ट है। यहाँ पर इनपुट 1 और इनपुट 2, दो इनपुट को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला कनेक्टर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिकली ये रीडर 1 का कनेक्टर है। इसी कनेक्टर के ऊपर आपके जितने भी सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल होते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, वो जब आप इसका कनेक्शन RS-45 का कनेक्शन लूप में करते हुए, सीरीज में करते हुए फाइनली आपका आउटपुट आता है, वो इसी पोर्ट के ऊपर आकर कनेक्ट होता है। अगला जो कनेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कनेक्टर जो है बेसिकली रीडर 2 का कनेक्टर है। इसके ऊपर आप रीडर 2 को इस कनेक्टर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला कनेक्टर जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो कनेक्टर है, बेसिकली इस कनेक्टर के थ्रू आप इस कंट्रोलर को पावर सप्लाई के थ्रू पावर देते हैं और इसी कनेक्टर के थ्रू आपको ऑक्सिलरी आउटपुट यहां से लेते हैं। यानी किसी रीडर को आपको आउटपुट देना है या फिर किसी सेंसर को, तो आप इसी कनेक्टर के थ्रू ऑक्सिलरी आउटपुट पोर्ट के थ्रू आप पावर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, ये बेसिकली रिले का पोर्ट है, रिले का कनेक्टर है, जिसके ऊपर आप दो रिले के कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये RJ45 का पोर्ट दिया हुआ है, जिस पोर्ट के थ्रू आप इस वाले कंट्रोलर को आप अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली सारी कनेक्टिविटी के ये सारे पोर्ट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए आगे हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि ये सारे पोर्ट्स के ऊपर कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, उनको डिटेल्स में समझते हैं। ये देखिए, ये एक हार्डवेयर ओवरव्यू है। ये जितने भी कनेक्टर्स हैं वो बेसिकली 5 डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। यहाँ पर देखिए इसकी अलग अलग फैमिली है, जिसको हम लोग आगे की स्लाइड में समझेंगे। TB1400 सीरीज की एक फैमिली है। अगली कनेक्टर की जो फैमिली है वो है TB1301, और उसके बाद नेक्स्ट जो है TB1300 यानी 1300, और अगला जो है फैमिली वो है TB300, फिर लास्ट वाला जो है TB1401। तो चलिए इस 5 जो अलग अलग फैमिली है इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि ये सारे कनेक्टर्स के ऊपर हम कौन कौन से डिवाइस को कौन कौन सा कनेक्शन करते हैं, वन बाय वन समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी फैमिली जो है 1400 वाली फैमिली को समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वाले पोर्ट के अंदर दो इनपुट पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट 1 और इनपुट 2। इसके अंदर आप इनपुट्स यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल्स ओनली, नॉट बर्गलर अलार्म इनपुट्स। सेकेंड वाले में भी वही है, इनपुट यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल ओनली, नॉट बर्गलर अलार्म इनपुट्स। आप सिर्फ एक्सेस कंट्रोल के इनपुट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली फैमिली जो है TB1301 की, हमने आपको जैसा कि बताया कि इसी वाले कनेक्टर के ऊपर, इसी फैमिली के अंदर आपके जो RS-485 के कनेक्शन है उसको आप कनेक्ट करते हैं CLK यानी क्लॉक के ऊपर, जिसको हम लोग क्लॉक डेटा 1 भी कहते हैं, और TR+1।
और उसके बाद जो दूसरा इसका है कनेक्शन डेट, यानी जिसको हम लोग डेटा जीरो और टीआर माइनस वन भी कहते हैं, इसी पोर्ट के ऊपर आकर आप अपना RS-485 जो आपके फील्ड से, जो आपके सब कंट्रोलर से जो कनेक्शन आता है वो इसी पोर्ट के ऊपर आकर कनेक्ट होता है। उसके बाद अगली फैमिली जो है वो रीडर टू की फैमिली है 1300 की, जहां पर आप एलईडी आउटपुट कनेक्ट करते हैं, बजर आउटपुट कनेक्ट करते हैं और क्लॉक और डेटा के थ्रू अपने रीडर को आप कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली फैमिली जो है वो है TB-300 की फैमिली है, जिसके अंदर आप ये वाले फैमिली के थ्रू आपके कंट्रोलर को आप इनपुट देते हैं, यानी पावर सप्लाई के थ्रू पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप वीन और ग्राउंड वाला जो है ये दो टर्मिनल का दो पोर्ट का आप यूज करते हैं। और फिर ये जो दो पोर्ट आपको दिख रहा है, पोर्ट वीओ और ग्राउंड, ये बेसिकली ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी पावर आउटपुट है 12 वोल्ट DC, और दूसरा वाला जो है वो ऑक्सिलरी पावर आउटपुट ग्राउंड का पोर्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट फैमिली जो है लास्ट वाली TB-1401, ये बेसिकली जो ये है रिले वाली फैमिली है, जिसके अंदर आप दो रिले कनेक्ट कर सकते हैं, NO, NC और रिले वन, यानी कॉमन का ये दिया हुआ है एक रिले के लिए, ये दूसरा रिले का कनेक्शन है, इसके अंदर NO, कॉमन और NC का ये पोर्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू आप रिले को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो फर्स्ट रीडर है, फर्स्ट रीडर के अंदर कौन कौन सा कनेक्शन है, इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो पहला वाला रीडर है बेसिकली आपके जो रीडर, ये राइट साइड में आपको रीडर दिख रहा है और सेकंड साइड में जो ये कंट्रोलर के पोर्ट दिख रहे हैं, तो 12 वोल्ट डीसी वाला जो टर्मिनल है उसको आपके कनेक्टर के 12 वोल्ट डीसी वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। टीआर प्लस वाला जो टर्मिनल है उसको कनेक्टर के D1 वाले, यानी डेटा 1 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और रीडर का जो टीआर माइनस है उसको आपको कनेक्टर के डेटा 0 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो आपका रीडर का ग्राउंड वाला टर्मिनल है उसको कनेक्टर के ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से करके फर्स्ट वाला रीडर जो है उसकी आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड वाले रीडर को समझते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट है और इसकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका रीडर फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पर एलईडी को आपको क्या करना है, रीडर के फर्स्ट वाले एलईडी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, जो BZR यानी बजर वाला टर्मिनल है उसको रीडर के बजर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। D1 वाला जो टर्मिनल है आपको, जो रीडर का आपका डेटा 1 का पोर्ट है यानी TR प्लस का पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट करना है, और D0 आपको डेटा 0 वाला जो टर्मिनल का पोर्ट है रीडर के अंदर उसके साथ कनेक्ट करना है। इसको जो पावर प्रोवाइड है आपको ऑक्सिलरी पावर आउटपुट के थ्रू आपको प्रोवाइड करना है। जो रीडर का 12 वोल्ट वाला टर्मिनल है उसको ये वाले टर्मिनल के VO वाले पोर्ट के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो रीडर का ग्राउंड है उसको आपको ये वाले पोर्ट के ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आप सेकंड वाले रीडर का कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि RS-485 का कनेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा 1300 जो है, ये हमने एक सब कंट्रोलर लिया है, और यहाँ पर हमारा एक 1320 है, ये कंट्रोलर कनेक्ट है, और यहाँ पर जो हमारा ये मेन कंट्रोलर जो है वो 2210 हमारा है। तो अभी आप देखेंगे आपको ये दोनों कंट्रोलर, सब कंट्रोलर जो है, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपको RS-485 का कनेक्शन का जो पोर्ट है RS-485 के थ्रू कनेक्शन होगा, और ये जो कनेक्शन होगा वो आपका सीरीज में होगा, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ लूप होगा, दूसरा तीसरे के साथ लूप होते हुए फाइनली आपके कंट्रोलर तक पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका जो सब कंट्रोलर है उसका TR प्लस और TR माइनस, ये दो कनेक्टिविटी का यूज करना है, ये दो केबल यहां से निकालना है, जो TR प्लस है वो दूसरे वाले डिवाइस के TR प्लस के साथ, जो TR माइनस है वो दूसरे वाले डिवाइस के TR माइनस के साथ कनेक्ट करना है, और फाइनली आपके आउटपुट पे जो आपको यहाँ पर कंट्रोलर के पास मिलेगा TR प्लस और TR माइनस, जो आउटपुट आपको TR प्लस आ रहा है वो आपको ये कंट्रोलर के जो अंदर क्लॉक है डेटा जो क्या बोल रहे हैं क्लॉक वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और TR माइनस जो है उसको आपको डेटा वाला जो टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से करके आप RS-485 का कनेक्शन कर सकते हैं। जितने भी आपके सब कंट्रोलर है, इंटरफेस मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इसको आप सीरीज में RS-485 कनेक्शन के थ्रू इस तरह से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग लॉक की कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। लॉक के अंदर ये हमारा जो है ये कंट्रोलर है, और ये हमारा लॉक है, लॉक है जिसके अंदर दो टर्मिनल होता है, और ये हमारा पावर सप्लाई। आपको हमेशा याद रखना है, हमने पहले भी बताया है कि लॉक को जो आपको पावर प्रोवाइड करना है वो सेपरेट पावर प्रोवाइड करना है, आपको कंट्रोलर के थ्रू पावर नहीं देना है। कंट्रोलर के अंदर हम लोग जो रिले का है दो पोर्ट यूज करते हैं, NC और कॉमन लॉक को कनेक्ट करने के लिए। तो जो EM लॉक का प्लस वाला टर्मिनल है उसको कंट्रोलर के NC वाले टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट कर देना है, और जो लॉक का माइनस है उसको आपको पावर सप्लाई के माइनस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो अडाप्टर का यानी पावर सप्लाई का जो प्लस है उसको आपको कंट्रोलर के कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपकी सर्किट कंप्लीट होगी, और आप EM लॉक का कनेक्शन इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग
जो ये 2210 है उसके सिस्टम डायग्राम को समझते हैं कि किस तरह से हम लोग 1300 कनेक्ट करते हैं, 1320 कनेक्ट होता है, हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, LNL M2210 जो हमारा मेन कंट्रोलर है वो हमने लिया। हमने आपको बताया कि ये मैक्सिमम 8 डिवाइसेस तक को सपोर्ट करता है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन के अंदर अगर आपका सिर्फ एक या दो रीडर है तो आप इसको डायरेक्ट अपने इस वाले कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक या दो से ज्यादा आपके पास रीडर है तो उस सिचुएशन में आपको ऑप्शन टू जो है उसको सेलेक्ट करना है। उसमें क्या होगा, आप ऑप्शन टू के अंदर एक रीडर को आप डायरेक्ट अपने कंट्रोलर के पोर्ट पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अगर एडिशनल रीडर कनेक्ट करना है तो यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक 1300 लिया जिसके साथ हमने एक रीडर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 1320 लिए, जैसा कि आपको मालूम है कि 1320 के अंदर हम दो रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन है, या तो दो रीडर को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि एक डोर आपने लिया, एक डोर के ऊपर एक रीडर कनेक्ट किया, आपने दूसरा डोर लिया, दूसरे डोर के ऊपर दूसरा रीडर कनेक्ट किया, तो इस तरह से करके टोटल आपके दो रीडर हो गए। या फिर आपका एक सिंगल डोर है, सिंगल डोर के ऊपर आपका इनपुट पे भी आपने एक रीडर लगाया और आउटपुट पे भी आपने एक रीडर लगाया, तो इस तरह से करके भी आपका दो रीडर हो गया। तो या तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक 1100 जो कि एक इनपुट कंट्रोल मॉड्यूल है वो हमने लिया। इसके अंदर आप 16 इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट में आपका जितने भी मोशन सेंसर है वो सारे सेंसर्स को आप इनपुट मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक 1200 एक आउटपुट मॉड्यूल लिया है, आउटपुट मॉड्यूल, इसके अंदर भी आप 16 आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके अलार्म बजर वगैरह हो गए, साउंडर वगैरह हो गए, उसको आप आउटपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप सारे डिवाइस को आपको क्या करना है कि सीरीज में आपको RS-485 कनेक्शन के थ्रू आपको सारे कंट्रोलर के ऊपर RS-485 कनेक्शन दिया हुआ है, सबसे RS-485 कनेक्शन लेना है, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ लूप करना है, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, और फाइनली आपको जो लास्ट में जो एक आउटपुट निकलेगा उसको आपको मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देना है। आप जो इसका डिस्टेंस है RS-485 का मल्टी ड्रॉप के साथ कनेक्शन करते हुए अप टू 4000 फीट, अगर हम मीटर में बात करें तो अराउंड 1200 मीटर तक के डिस्टेंस पे आप इतने सारे डिवाइस को आप लगा सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई कनेक्टिविटी कि आप इस तरह से कनेक्टिविटी करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका मेन कंट्रोलर है 2210 उसको आपको अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेना। ये देखिए यहाँ पर ये तो हमारा या तो स्विच है या फिर ये राउटर है, उसके साथ हमने क्या किया 2210 को कनेक्ट कर दिया, और फिर फाइनली यहाँ स्विच से एक हमने जो है यूटीपी केबल लिया और यहाँ पर एक हमने ऑन गार्ड का सिक्योरिटी सर्वर लिया, उसके साथ नेटवर्क के साथ इस सर्वर को कनेक्ट कर दिया। इस सर्वर के ऊपर हमने जो इसका लेनल का सॉफ्टवेयर है ऑन गार्ड उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जितने भी आपके रीडर हैं, आपके इंटरफेस मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, सब कंट्रोलर है, सबको आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ से आप इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं, वो सारी सेटिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेनल कंट्रोलर के अगले मॉडल M2220, अगर हम ओल्ड सीरीज की बात करें तो X2220 के बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।